सुनसान जगह पर यह शख्स थैले को फेंक देता है और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल इस थैले में एक आदमी के शरीर के टुकड़े थे और कत्ल करके टुकड़ों को फेंकने वाले ये कोई और नहीं बल्कि उसी मृतक की पत्नी और बेटा है। पूरा मामला दिल्ली के पांडव नगर का है। आरोपों के मुताबिक अंजन दास नाम का शख्स अपने घर में ही अपनी बहुओं बेटियों पर बुरी नजर रखता था, जिससे तंग आकर अंजन दास की तीसरी पत्नी और बेटे ने 30 मई 2022 को उसका कत्ल कर दिया। फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए इन्होंने शव के टुकड़े किए और टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। धीरे धीरे ये टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंकने लगे, मगर इनका राज इस सीसीटीवी से खुल गया। देखिए कैसे ये लड़का हाथ में गट्ठर लेकर जा रहा है, साथ में ये महिला है। दरअसल ये अंजन दास के शव के टुकड़े हैं जिसे ये ठिकाने लगा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। पुलिस ने सीसीटीवी तो देखे थे मगर उसे मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि अंजन दास की मिसिंग रिपोर्ट भी किसी ने नहीं लिखाई थी। लेकिन एक दिन पुलिस को खबर लग गई। जब पुलिस ने उनके घर की छानबीन की तो उनके घर से वो कपड़े बरामद हो गए जो सीसीटीवी में दोनों ने, पूनम ने और दीपक ने पहने हुए थे। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने माना कि उन्होंने 30 मई की रात को घर के अंदर अंजन दास की हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी को रात भर छोड़ दिया, काट कर हल्का सा, ताकि खून बह गया। खून बहने के बाद 31 मई को शरीर के टुकड़े किए और फिर 31 मई की रात और 1 जून की रात करीब 10 टुकड़ों को इन्हीं सारे इलाकों में फेंक दिया। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए, साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया। 6 महीने पहले हुए कत्ल का राज आखिरकार खुल गया। अब आरोपी महिला और उसका बेटा दोनों पुलिस की गिरफ्त में है।